हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा आप लोगों को कंप्यूटर के कई सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसी क्रम में मैं आप लोगों को टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें मैंने लास्ट में कई सारी वीडियोज दे रखी हैं। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको टैली प्राइम के पार्ट ऑफ विंडो के बारे में तथा मैंने उसके बारे में उनके यूजेस के बारे में बताया हुआ था। तो जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो ना देखी हो वो जरूर देख ले। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बिकॉज आज हम गेटवे ऑफ टैली के मेन मेनू पर बात करेंगे और उसके जो इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उसको हम समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियोज मेरी अच्छी लग रही हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे उनको ये फ्री की क्लासेस प्राप्त हो सके। तो बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टैली के मेन विंडो पर हम हैं, जिसमें गेटवे ऑफ टैली है और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट में आपका नेम ऑफ कंपनी, आप कह सकते हैं लिस्ट ऑफ कंपनी डिटेल, जैसे कंपनी का पीरियड क्या है, करंट पीरियड क्या है, वर्किंग का करंट डेट क्या है, कंपनी का नेम क्या है और लास्ट एंट्री डेट क्या है। एक साइड में आपके लेफ्ट साइड में ये शो कर रहा है और राइट साइड में आप देख पाएंगे ये गेटवे ऑफ टैली का मेन मेन्यू है, जिसके अंतर्गत हमें सारा काम हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं टैली में। तो आज चूंकि मेरी मेन विंडो रिलेटेड पहली क्लास है, तो गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू के अंतर्गत कई सब मेन्यूज हैं। जैसे आप देखें मास्टर्स हैं, मास्टर्स में कुछ ऑप्शन आते हैं, इनके बारे में अभी हम जानेंगे। ट्रांजेक्शन्स हैं, इसके अंतर्गत भी कुछ ऑप्शन आते हैं। यूटिलिटीज हैं और रिपोर्ट्स हैं, एक ग्रुप वाइज अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले मास्टर्स को पढ़ते हैं। और मास्टर्स में आप देखें क्रिएट, अल्टर एंड चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये तीनों का अलग अलग रोल है। अगर आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट जो टैली ERP 9 पर है उसको देखेंगे तो यहाँ मास्टर्स में आपको अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, पेरोल इन्फो, इस तरह से कई सारे अलग अलग सब मेन्यूज मिलते थे, जिसको मैंने डीपली पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो वो भी वीडियोज आप देख सकते हैं। तो आप देखें क्रिएट में हम अगर क्लिक कर देते हैं क्रिएट ऑप्शन पर, जहां से हम अलग अलग मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग मास्टर्स की बात की जाए, इन्वेंट्री मास्टर्स की बात की जाए, पेरोल मास्टर्स की बात की जाए, स्टेटरी मास्टर्स एंड स्टेटरी डिटेल्स की सेटिंग भी हम यहां से कर लेते हैं। जिसमें आप देख रहे हैं अकाउंटिंग मास्टर के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है ग्रुप। ग्रुप मतलब होता है समूह, और ये ग्रुप जो ऑप्शन है इसे मास्टर ग्रुप हम कह सकते हैं। ग्रुप का वर्क होता है कि ये किसी भी विवरण को, किसी भी डिटेल को कैटेगराइज करने में, वर्गीकृत करने में बहुत ही खासा मदद करता है। आप ऐसे समझें जैसे संपत्ति है और अकाउंटिंग सेक्शन में संपत्ति को उसके सब ग्रुप्स होते हैं। जैसे आप समझें मेन एसेट्स है और एसेट्स के अंतर्गत आपके फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, करंट एसेट्स आते हैं, या कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो भी इनके अंतर्गत आते हैं। या आप और उसको डीपली देखना चाहें, जो उसके अंतर्गत खाते क्रिएट किए जाते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग, ग्रुप के अंतर्गत आप ऐसे समझें जैसे लेजर्स हैं, बैंक के खाते हैं, कैश का खाता है, एसेट्स होती हैं, इनकम्स होती हैं, लायबिलिटी होता है और एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो ग्रुप के अंतर्गत हम मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप को समझेंगे। ग्रुप मतलब होता है समूह, मैंने आपको बताया। और टैली में जो मास्टर के अंतर्गत ग्रुप होता है, अकाउंटिंग मास्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप आप देख रहे हैं, ग्रुप जो है वो दो तरीके से हम उसको अगर हम हायरार्की फॉर्मेट में डिवाइड करें तो मेनली ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप और एक को हम सब ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं, जो मेन ग्रुप से बने हुए होते हैं, जैसे कैपिटल से सब ग्रुप होता है, लोन्स लायबिलिटीज से होता है, करंट लायबिलिटीज के अंदर सब ग्रुप होते हैं या करंट एसेट्स के अंतर्गत सब ग्रुप होते हैं। तो उसको हम समझेंगे। ग्रुप का काम मैंने आपको बताया, ग्रुप किसी भी विवरण को डिस्क्राइब करने में खासा मदद करता है। जैसे आप समझें, अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझें, जैसे आपको किराने का सामान लेना है तो आपको किराना स्टोर जाना पड़ेगा, आपको मेडिसिंस लेनी है तो मेडिकल स्टोर जाना पड़ेगा, आपको फ्रूट्स लेना है तो फ्रूट शॉप पर आपको जाना पड़ेगा। इस तरह से आप ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, ग्रुप ये डिनोट करता है कि आप किस वे में काम करना चाह रहे हैं। तो टैली के अंतर्गत अकाउंटिंग मास्टर्स में जो मास्टर ग्रुप है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी और सब ग्रुप।
और जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं वो 15 होते हैं, और जो सेकेंडरी या सब ग्रुप होते हैं जो प्राइमरी के अंतर्गत बनाए गए होते हैं वो 13 होते हैं। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ हम ग्रुप पर, यहाँ से हम बैक कर लेते हैं, बैक करेंगे, आप देखें इसमें मास्टर के अंतर्गत क्रिएट अल्टर एंड चार्ट ऑफ अकाउंट है। तो बनाने का काम हम क्रिएट से करते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग मास्टर्स हो, इन्वेंटरी मास्टर हो या एनी, और उसमें सुधार करने का काम हम अल्टर से करते हैं। कोई भी अल्टरेशन करना है तो हम अल्टर के माध्यम से, चाहे अकाउंटिंग मास्टर्स में करना हो, इन्वेंटरी मास्टर्स में करना हो, पेरोल मास्टर्स में करना हो या स्टेटरी मास्टर्स में, कहीं भी हमें अल्टरेशन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और चार्ट ऑफ अकाउंट्स के माध्यम से हम रिपोर्ट्स को या मास्टर्स को, जो बनाए हुए मास्टर्स हैं उसको हम देखते हैं। और दो, अगर हम देखें ग्रुप की बात अभी मैं आज कर रहा हूँ, तो चार्ट ऑफ अकाउंट पर हम जाते हैं और ग्रुप पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं ग्रुप्स लिखा हुआ है, ग्रुप्स पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ सारे ग्रुप शो हो रहे हैं। बट यहाँ आपको ये समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि यहाँ इसमें प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी जो आप कह रहे हैं सेकेंडरी या सब ग्रुप क्या होता है, तो हम इसको फुल डिटेल्ड के साथ हम देखते हैं, इसको मल्टीपल फॉर्मेट में हम देखते हैं। उसके लिए आप देखें यहाँ, चाहे आप अल्ट के साथ एच प्रेस कर दें, बटन बार पर आप देख पा रहे हैं, मैं इस पॉइंटर के माध्यम से बता रहा हूँ। आप देखें एच के नीचे एक अंडरलाइन है, अगर सिंगल अंडरलाइन किसी भी कैरेक्टर के नीचे हो तो उसे हम अल्ट के साथ यूज करते हैं, और जैसे यहां पर आप देखें डबल अंडरलाइन है, अगर किसी कैरेक्टर के नीचे डबल अंडरलाइन है तो वो कंट्रोल के साथ यूज की जाती है। अगर हम यहाँ अल्ट प्लस यस करें या क्लिक कर दें तो यहाँ से हम मल्टीपल मास्टर्स को चेक कर सकते हैं और रिपोर्ट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीपल मास्टर्स पर क्लिक करेंगे और आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ मल्टीपल मास्टर्स में मल्टी क्रिएशन, तो क्रिएट करना नहीं है, मल्टी क्रिएट हमें करना नहीं है, हमें चेक करना है जो ग्रुप है वो प्राइमरी कितने हैं और सब ग्रुप कितने होते हैं। तो चेक करने के लिए यहाँ डिस्प्ले तो हमें करना नहीं है, हम डायरेक्टली मल्टी अल्टर पर जाएंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे या हम एंटर कर देंगे। आप देख रहे हैं ग्रुप यहाँ भी शो कर रहा है, बट हमें सारे ग्रुप को एक साथ एक लिस्टिंग में देखनी है, तो हम यहाँ से आल आइटम करेंगे। आप देख पा रहे हैं मल्टी ग्रुप अल्टरेशन ऑप्शन दिख रहा है, जहां पर आपको टोटल प्राइमरी एंड सब ग्रुप दिख रहे हैं, जो प्राइमरी ग्रुप के अंडर में सब ग्रुप बने हुए हैं। आप देखें 1, 2, 3 करके यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, 15 तक आप देखें तो प्राइमरी ग्रुप होता है, ये 15 प्राइमरी ग्रुप हैं। और फिर जो ये प्राइमरी ग्रुप से रिलेट सब ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कैपिटल है, कैपिटल का सब ग्रुप होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ लोन लायबिलिटी के 3 सब ग्रुप बनाए गए हुए हैं, जैसे बैंक ओडी है, आप जानते हैं ओवरड्राफ्ट एक लोन खाता होता है, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन जिसे हम सुरक्षित कर्ज कहते हैं, अनसिक्योर्ड जिसे हम असुरक्षित कर्ज कहते हैं। बैंक किसी फर्म या कंपनी से जो हम लोन लेते हैं, जहां पर हमें कुछ गिरवी रखना होता है, कुछ सिक्योरिटी में हमें रखना होता है, उसे हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। और जो किसी मित्र या किसी ऐसे फर्म से लिया जाए जहाँ कोई भी चीज हम सिक्योरिटी के लिए ना रखें, वो अनसिक्योर्ड लोन में जाता है। आप देखें करेंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत भी 3 सब ग्रुप बने हुए हैं, एक आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, प्रोविजंस है एंड सन्ड्री क्रेडिटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अगर हमें टैक्स प्राप्त हो रहा है तो हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए, अगर हमारा पेबल बन रहा है तो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब होता है दायित्व। प्रोविजन मतलब होता है संचय या प्रावधान, जैसे हमारा दायित्व तो बनता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए संचय, धन संचय करने की आवश्यकता होती है। सन्ड्री क्रेडिटर जो है उसे हम लेनदार कहते हैं, जब किसी भी सप्लायर से हम उधार माल खरीदते हैं तो उसे हमें पेमेंट करना होता है, ये हमारी लायबिलिटी बनती है, हमारा दायित्व तो बनता है। अब आप देखें नीचे करंट रिलेटेड कई सारे सब ग्रुप हैं जो करंट एसेट से रिलेटेड हैं, जैसे स्टॉक इन हैंड, डिपॉजिट्स एसेट डिपॉजिट करने के लिए है, लोन एंड एडवांस ये भी एसेट्स में जाता है, सन्ड्री डेटर्स जो किसी पार्टी के या अपने कस्टमर को आप माल बेचते हैं तो वहां भी आपका एसेट जाता है जो कि आप उधार लोन में बेचते हैं, कैश होता है वो भी आपका करेंट एसेट्स है, और जैसे बैंक में आपके अमाउंट है जो भी आपका कैश है वो आपका करेंट एसेट्स है। करेंट एसेट्स जिसे हम चल संपत्ति या प्रत्यक्ष संपत्ति कह सकते हैं। करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन एक लाइन से आप समझेंगे, फिक्स्ड एसेट्स वह संपत्ति होती है जिसके द्वारा हम व्यापार करते हैं। मीन्स जैसे मान लेते हैं हम एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो जो कंप्यूटर्स हमारे पास लगे हुए हैं, जो फर्नीचर्स लगे हुए हैं, जो बिल्डिंग में हम रह करके काम कर रहे हैं, वो सब फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। ऐसे ही करेंट एसेट्स जिनका हम व्यापार करते हैं, चाहे वो हमारा स्टॉक हो, चाहे कैश हो
या एनी कोई भी थिंग्स है जिसका हम लेन देन करते हैं वो आपके करेंट एसेट्स में आते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ अंडर ग्रुप में मैंने सारे ऑल आइटम्स को सेलेक्ट किया, तो हमें सारे ग्रुप दिख गए जो कि 28 हैं, 15 इसमें आपके प्राइमरी ग्रुप हैं और 13 आपके सेकेंडरी या सब ग्रुप हैं जो प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत बने हुए हैं। तो ये सारे ग्रुप्स आप नोट कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप नोट्स भी बनाते रहेंगे तो आप एक क्लासरूम की तरह से इसको पढ़ पाएंगे और आपको टोटल नॉलेज हो पाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। तो शायद ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम बैक करके आ जाते हैं। और हम मेन विंडो पर आ गए तो ये मास्टर्स के अंतर्गत अभी हमें क्रिएट में एक एक स्टेप को पढ़ना है, एक एक स्टेप जानना है। आज मैंने केवल आपको मास्टर के ग्रुप से रूबरू कराया है, जो कि मैंने आपको बताया, और उसको मैंने आपको कैसे ओपन करेंगे ग्रुप की कैटेगरीज के माध्यम से वो भी मैंने बताया, तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।